एपिसोड की शुरुआत में हमें 5 साल पहले का सीन दिखाते हैं, जहां पर सब लोग विल का मजाक उड़ा रहे होते हैं कि ये तो मैजिक भी इस्तेमाल नहीं कर सकता, तो फिर इसे यहां पर क्यों रखा गया है। तब कुछ लोग बोलते हैं कि वो तो मिस एल्बिस को यहां पर लाना था ना, इसीलिए इसे यहां पर एडमिशन मिल गया और अब इसका कोई भी काम नहीं है, क्योंकि एल्बिस तो मीडिया वेंडर बन चुकी है और विल किसी भी काम का नहीं है। तो सब लोग इसे बुरा भला बोल रहे होते हैं कि अब तो इसे स्कूल से निकाल ही देना चाहिए। आगे हम वर्कनर और विल को देखते हैं, जो कि प्रिंसिपल के पास आए होते हैं। फिर वो विल को एक स्वॉर्ड पकड़ाती है एंड उसके बाद वो अपने मैजिक का इस्तेमाल करती है और चारों तरफ से उसके ऊपर हमले होने लगते हैं। और ये स्वॉर्ड एंटी मैजिक टाइप की होती है, तो ये उन सारे मैजिक को बड़े आराम से काट देता है। इसके अंदर फिजिकल पावर होती है लेकिन मैजिक पावर बिल्कुल भी नहीं होती है, और ये देखने के बाद प्रिंसिपल हंसने लगती है। शायद ये बात वो पहले से ही जानती थी और कहती है बहुत अच्छा किया, लेकिन विल अभी भी काफी ज्यादा दुखी होता है और प्रिंसिपल कहती है कि हम तुम्हें कंटिन्यू करने दे सकते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि तुम्हारे अंदर मैजिक ना हो तो तुम आगे नहीं बढ़ सकते हो, लेकिन अगर आप एक मैजिशियन है तो छड़ी इस्तेमाल करनी जरूरी है। अब ये तो एल्बिस के पास पहुंचना चाहता था ताकि उसके साथ मिलकर दुश्मनों से लड़ा जा सके। वर्कनर कहता है क्या ये आगे ऐसा कर सकता है या फिर नहीं कर सकता। तब वो कहती है कि हाँ तुम जरूर कर सकते हो, मगर ये तो तुम पे डिपेंड करता है। फिर सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर हमें वर्कनर को दिखाया जाता है और ये एक्स्ट्रा क्लासेस ले रहे होते हैं। तो ये एक्स्ट्रा क्लास में सभी लोगों को बता रहे होते हैं कि अगर मीडिया वेंडर बनना है तो तुम्हें यहाँ से यहाँ पहुँचना पड़ेगा, उसके बाद तुम यहाँ पर मेन टावर में पहुँचने वाले हो। इसके लिए 2 क्वालिफिकेशंस रहेगी, सबसे पहले तो क्रेडिट पॉइंट्स, जो कि कमाने बहुत ही ज्यादा मुश्किल होते हैं, और दूसरा आपको अपना खुद का मैजिक स्पेल बनाना पड़ेगा। तो ये दोनों चीजें बहुत ही ज्यादा मुश्किल होती है, खास करके क्रेडिट पॉइंट्स इकट्ठा करना काफी मुश्किल होता है। लेकिन जो क्लास में बचे हुए स्टूडेंट्स हैं, तुम लोगों का कुछ भी नहीं हो सकता, तुम लोगों का तो ग्रेजुएशन पास होना भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल लग रहा है। आगे हम देखते हैं कि ये क्लास के बाहर निकलता है, जहाँ पर कॉलेट कहती है तो प्रोफेसर वर्कनर का एक्स्ट्रा क्लास कैसा था। तब ये कहता है बहुत ही ज्यादा एनर्जी भरा था, लेकिन कम से कम वो हमें एक्स्ट्रा क्लासेस तो देते हैं, वरना कुछ टीचर्स तो ऐसे हैं जो एकदम मुंह पर ही मना कर देते हैं। उनके एक्स्ट्रा क्लासेस में बहुत ही ज्यादा मदद हो जाती है और वो काफी अच्छा भी पढ़ाते हैं। और वहाँ पर भीड़ लगी हुई होती है और यहाँ पर सारे बच्चे सियोन के बारे में बात कर रहे होते हैं। सो सब लोग बताते हैं कि सियोन ने कैसे 10 क्रेडिट वाले मॉन्स्टर को हराया। वो सियोन की तारीफ किए जा रहे होते हैं, लेकिन सियोन को ही पता होता है कि आखिर सच्चाई क्या थी। वो सोचता है कि नहीं, सच्चाई तो कुछ और ही है। और तभी उसे विल दिखाई देता है। जैसे वो विल को देखता है, उसे काफी गुस्सा आ जाता है और वो तुरंत ही विल के पास चला जाता है और उसका कॉलर पकड़ लेता है और कहता है आखिर ऐसा क्यों हुआ, बताओ तुमने मेरे साथ कोई मजाक किया क्या। तब बीच में कोलेट आ जाती है और कहती है उसे छोड़ दो, तो सियोन बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। कोलेट कहती है तुम दोनों के बीच में कुछ हुआ है क्या। तब विल कहता है हाँ थोड़ा बहुत हुआ है। दूसरी तरफ हमें प्रिंसिपल को दिखाया जाता है और यहाँ पर एडवर्ड सर आए हुए होते हैं। तो एडवर्ड कहते हैं कि हमें उसे निकाल देना चाहिए, लेकिन प्रिंसिपल कहती है कि वो 6th और फाइनल ईयर में पहुँच चुका है, अभी निकालेंगे तो सही नहीं रहेगा। फिर ये कहता है कि मैम वो एक वॉरियर है, वो कोई मेज नहीं है, ये जगह इसके लिए बिल्कुल भी नहीं बनी है। फिर वो विल के स्टेट्स देखकर कहती है कि देखो ये सबको पता है कि वो मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन उसके अलावा वो मीडिया वेंडर बनने के लिए जो भी चीज़ चाहिए होती है उन सभी चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, मगर ये चीज़ एडवर्ड को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। प्रिंसिपल कहती है कि उसके पास और भी रास्ते हैं, वो बहुत कुछ बन सकता है, लेकिन एडवर्ड कहता है कि नहीं, प्रॉब्लम ये है कि वो मीडिया वेंडर बनना चाहता है। प्रिंसिपल कहती है अच्छा तो तुम्हें इस बात से प्रॉब्लम है कि वो मीडिया वेंडर बनना चाहता है और किसी बात से नहीं, तो तुम उसका एक पर्सनैलिटी टेस्ट क्यों नहीं ले लेते, तुम खुद से उसका एक टेस्ट ले लो और तुम्हें पता चल जाएगा कि आखिर वो आगे बढ़ने के लायक है भी या नहीं, क्योंकि एडवर्ड भी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल म्यूजिशियन होता है। तो वो कहता है ठीक है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि कोलेट विल के लॉकर खोलने में मदद करती है, तो विल कहता है मुझे माफ़ करना, मुझे हमेशा तुम्हें बुलाना पड़ता है क्योंकि मैं मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ। तो कोलेट कहती है कोई बात नहीं। आगे हम देखते हैं कि ये पढ़ाई कर रहा होता है क्योंकि क्रेडिट पॉइंट्स भी तो चाहिए होते हैं ना। सो वो एक लड़ाई के बारे में पढ़ रहा होता है, जहाँ पर 10,000 वार्स ने
एक मेजिस के साथ लड़ाई की थी। हालांकि ड्वार्फ्स तो उसमें हार गए थे और ये एक ऐतिहासिक लड़ाई होती है। सो इस बैटल में 10,000 ड्वार्फ्स ने एक मेज से लड़ा था और इसी के बारे में पूरी कहानी लिखी हुई है। और कोलेट कहती है, अरे ये तुम्हारा एक बाल व्हाइट हो चुका है, क्या मैं इसे निकाल दूँ? वो कहता है, अरे कोई बात नहीं, छोड़ दो। लेकिन कोलेट शरारत के मूड में होती है और कहती है कि रुको, मैं अभी तुम्हारा वो बाल निकाल देती हूँ। तभी पीछे से एडवर्ड आ जाता है और वो देख कर ये दोनों डर जाते हैं कि वो प्रोफेसर एडवर्ड। तो एडवर्ड कहता है कि वेल, तुम मुझसे अकेले में मिलो। तो वो उसे स्पेल हॉल में ले जाता है, जहाँ पर वो कहता है कि मैं तुम्हें आज एक्स्ट्रा क्लास देने वाला हूँ, मगर तुम कंप्लीट कर लोगे तो तुम्हें 5 सप्लीमेंट्स पॉइंट मिलेंगे, लेकिन अगर तुम हार जाते हो तो तुम्हें यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए बाहर जाना पड़ेगा। और वो डार्क मैजिक का इस्तेमाल करता है और कहता है कि देखो, सिर्फ एक ही शर्त है कि तुम्हें मुझे बस एक हिट करना है, और अगर तुम हिट कर दोगे तो 5 क्रेडिट पॉइंट्स तुम्हें मिल जाएंगे, वरना तुम्हें हमेशा के लिए यहाँ से जाना पड़ेगा। और विल यहाँ पर अकेला आया होता है और एडवर्ड देखना चाहता है कि आखिर ये मेजिया वेंडर बनने के लायक भी है या नहीं। तो वो हमला करना शुरू करता है और विल को एहसास भी हो गया है कि ये कमज़ोर तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि एडवर्ड तो उसका टीचर ही है ना। दूसरी तरफ वर्कनर को प्रिंसिपल ने बुलाया होता है, तो वर्कनर आ जाता है और उसे कहता है, जी मैम, आपने मुझे बुलाया था? तो वो कहती है, हाँ मैंने तुम्हें बुलाया था। फिर वो अपने मैजिक का इस्तेमाल करती है और अब वो दोनों उस लड़ाई को देख सकते थे। वर्कनर कहता है, क्या विल और एड, आखिर आपने उसे ही क्यों चुना? और फिर ये कहती है कि मैं एक टेस्ट कंडक्ट करा रही हूँ और तुम इसके बीच में नहीं आने वाले हो। तब वर्कनर कहता है, लेकिन एडवर्ड ही क्यों? असल में एडवर्ड भी मेजिया वेंडर का कैंडिडेट ही था, लेकिन वो हार चुका था और फर्स्ट नंबर पर एल्विस आ गई थी, तो एल्विस जीत गई होती है और एडवर्ड सेकंड नंबर पर आ जाता है। और एडवर्ड को ऐसे ही पावरफुल नहीं कहा जाता है, इसे डार्क मेज भी कहा जाता है। सो विल को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि एडवर्ड तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था ना। तो विल देख रहा होता है कि ये तो कितना ज़्यादा पावरफुल है, इसका लो लेवल स्पेल भी इतना ज़्यादा पावरफुल क्यों लग रहा है, क्योंकि वो ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल कर रहा था और बहुत ही लो लेवल स्पेल भी इस्तेमाल कर रहा था, फिर भी हमारा विल कुछ भी नहीं कर पा रहा था। फिर वो काफ़ी तेज़ भाग कर उसकी शील्ड पर भी मारता है। तभी एडवर्ड कहता है कि तुम सचमुच होपलेस हो, शील्ड के ऊपर पैर कौन मारता है? फिर से वो हमला करता है, जहाँ पर विल का चश्मा पूरी तरीके से टूट जाता है और वो समझ जाता है कि एडवर्ड जब चाहे तब उसे मार सकता है, लेकिन ये इतनी आसानी से हार तो बिल्कुल भी नहीं मानने वाला था। एडवर्ड उसके सामने कहता है कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो और मैं सिर्फ 2 स्पेल्स का इस्तेमाल करूंगा, एक ब्लैक फ्लेम्स का और अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए शील्ड का इस्तेमाल करूंगा। सो ये अपने एक ही स्पेल को बहुत ही ज़्यादा कॉपी करता है और वो बहुत ही खतरनाक दिख रहा होता है। और फिर यहाँ पर बहुत ही बड़ा धमाका होता है और ये धमाका लगातार ऐसे ही होते जा रहा था। विल तो पहले बच जाता है, लेकिन बाद में धमाके की चपेट में आ जाता है और एकदम ज़ोर से ऊपर हवा में उड़ चुका रहता है। वो समझ चुका था कि ये एक टॉप टायर मेज है, मैं इसे बिल्कुल भी नहीं हरा सकता हूँ, लेकिन काश मेरे पास मेरी स्वॉर्ड होती। दूसरी तरफ हमें किकी को दिखाते हैं, जो यहाँ पर आती है तो वो देखती है कि कोलेट यहाँ पर है। कोलेट सोच रही थी कि पता नहीं वो किस तरीके का उसका एग्जाम ले रहा होगा, मुझे तो डर लग रहा है, क्योंकि सबको तो पता ही है ना कि ये टीचर काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है और उसे लग रहा होता है कि वो पक्का विल को टॉर्चर ही कर रहा होगा। फिर कोलेट की नज़र जाती है किकी के ऊपर, जो कि काफ़ी घायल हालत में उसके पास आई होती है, और फिर उसे समझ में आ जाता है कि विल के साथ कुछ ना कुछ तो बुरा हो रहा है। तो किकी लॉकर की तरफ इशारा करती है और कोलेट समझ जाती है कि विल को उसकी स्वॉर्ड चाहिए, इसलिए वो मैजिक का इस्तेमाल करके उसका लॉकर अनलॉक करती है। दूसरी तरफ एडवर्ड कहता है, तुम्हें पता है ना मेजिया वेंडर क्या होता है? मेजिया वेंडर सारे मेजिस का फादर होता है, और तुम मुझे मेजिया वेंडर के लायक तो बिल्कुल भी नहीं लग रहे, क्योंकि तुम तो ऐसे ही हार जाओगे। और हाँ, तुम्हें याद है वो बैटल ऑफ ग्राजिया, जहाँ पर 10,000 ड्वार्फ्स ने सिर्फ एक ही मेज से लड़ाई की थी, लेकिन उस मेज ने उन सारे ड्वार्फ्स को हरा दिया था। तुम्हें पता है ऐसा क्यों? क्योंकि वो लोग स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते थे और वो मेज मैजिक का इस्तेमाल करता था। लेकिन विल कहता है कि नहीं, ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है। लेकिन फिर वो उसका पैर पकड़ लेता है और उसे काफ़ी दूर फेंक देता है, जहाँ पर वो पीछे हट जाता है। लेकिन अब ये हार नहीं मानने वाला था और एडवर्ड ये देखकर काफ़ी गुस्से में आ जाता है कि इस बच्चे की इतनी हिम्मत
और विल कहता है कि मैं मेजिया वेंडर बनना चाहता हूँ क्योंकि मैं जिससे प्यार करता हूँ मैं उसके साथ में मिलकर लड़ना चाहता हूँ क्योंकि मैंने उससे वादा किया है और मैं अपना वादा पूरा करके रहूंगा। एडवर्ड को ये सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है तुम एक नंबर के बेवकूफ हो, तुम मैजिक का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते और तुम्हारी इतनी हिम्मत। इधर उसका हाथ पैर पूरा कांप रहा होता है लेकिन तभी कॉलेट उसकी स्वॉर्ड लेकर आ जाती है और वो दूर से ही उसकी स्वॉर्ड को फेंक देती है। फाइनली अब उसे उसकी स्वॉर्ड मिल चुकी रहती है जिसके बारे में वो सोच रहा था। सो एडवर्ड भी उसके ऊपर हमला करने के लिए रेडी रहता है। वो अपने मैजिक से हमला करता है मगर वो पहले ही पावरफुल होता है लेकिन उसकी स्वॉर्ड ने उसके सारे मैजिक के दो टुकड़े कर दिए थे। एडवर्ड समझ जाता है कि ये कौन सी स्वॉर्ड है, ये एंटी मैजिक स्वॉर्ड है तो ये स्वॉर्ड बहुत ही ज्यादा पावरफुल है तो इसके ऊपर मैजिक का कोई भी असर नहीं होने वाला है। हालांकि विल बहुत ही ज्यादा डरा हुआ होता है लेकिन वो सीधे हमले करने के लिए आगे बढ़ता है। फिर हमें उसी बैटल की कहानी सुनाई जाती है जहाँ पर 10,000 ड्वार्फ में से एक ड्वार्फ था जो आखिरी दम तक लड़ा था और उसने आखिर में उस मैजिशियन को एक हिट मारा था। हालांकि वो मर गया था लेकिन फिर भी एक हिट तो मारा था और मैं भी इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला हूँ। ये वैंड और स्वॉर्ड के बीच में लड़ाई है तो देखा जाए कि वैंड और स्वॉर्ड में कौन लड़ाई जीतने वाला है। एडवर्ड बिल्कुल भी नहीं देख पा रहा होता है क्योंकि हमला काफी तेज हुआ होता है। उसके बाद विल तुरंत ही उसके ऊपर आता है और उसके शील्ड को भी तोड़ देता है और फिर से हमला करता है और दोनों के वैंड और स्वॉर्ड एक दूसरे को लगे होते हैं लेकिन हम देखते हैं कि जो स्वॉर्ड थी वो लंबी थी और यहाँ पर इसके गाल पे कट लग चुका था। इसका मतलब विल ने इस मैच को जीत लिया था। तो एडवर्ड गुस्से में वहां से चला जाता है और कहता है कि 5 क्रेडिट पॉइंट्स मैं तुम्हें भेज दूंगा। उसके बाद कॉलेट यहाँ पर आती है और देखती है कि अरे ये क्या, ये तो बेहोश हो गया, मतलब इतनी खतरनाक लड़ाई हुई थी। प्रिंसिपल कहती है कि सचमुच कमाल कर दिया, वो पास हो गया। और दूसरी तरफ वर्कनर कहते हैं कि सचमुच काफी ज्यादा कमाल का था, उसने काफी अच्छा हमला किया। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।